हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, तो मैं भी आपको वही बताने जा रहा हूं। एटम और मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैटर हमने देखा था, जो एटम होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनता है, चाहे वो सेम काइंड हो या डिफरेंट काइंड हो। जो हमारा मैटर बनता है ये मेनली मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि मैटर कहते कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास मैटर की, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो स्पेस घेरती है, यानी जगह घेरती है, और उसका मास होता है, कुछ मास मतलब भार, द्रव्यमान बोल सकते हैं जिसको, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास काफ़ी सारे मैटर के, एयर। एयर यानी वायु, वायु आपको पता ही है, जो वायु जो है इसका एक वेट भी होता है और ये जगह भी घेरती है। वायु जो है हमारी, अगर आप किसी गुब्बारे के अंदर बढ़ते हैं तो वो जगह घेरती है, की वजह से वो बलून जो है यानी गुब्बारा जो है वो फूल पाता है और उसका एक वजन भी होता है। वाटर आपको पता ही है कि ये भी जगह घेरता है, उसका ही मास होता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, गैस है, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, आयरन, कोल, सल्फर, रॉक्स, फूड, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज। हम अपने आसपास मैक्सिमम चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी मैटर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देखते हैं तो हम कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं। मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था मेरे से, ये पढ़ाते वक्त जब मैं पढ़ा रहा था, तो कि सर क्या लाइट जो है वो मैटर है, सनलाइट है या बल्ब से जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो सनलाइट है हमारी ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है और मैटर ये नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए हमको कि जो सन की लाइट है ये मैटर नहीं है। आप भी ऐसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जब ये क्वेश्चन ऐसे आपको मन में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ये कमेंट कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप इसे ध्यान से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा, इसमें इंटरेस्टिंग होगा, आसान शब्दों में होगा। इसके लिए जैसा मैंने बताया, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक यू।